हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए न्यू डिजाइन का बूट लेके आई हूँ मैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए इस तरीके से ये इसमें डिजाइन बनेगा, ये देखिए। तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें 80 फंदे डालेंगे, ये 4-5 नंबर साइज है। तो इसके लिए हम 80 फंदे डाल लेंगे, पहले सिंगल धागे से दोनों साइड ऐसे, ये देखिए इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से 80 फंदे डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड, 80 फंदे डाल लिए मैंने और 10 नंबर की सिलाई है ये। अब दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी 6 धारियां 12 सिलाइयां कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहली सिलाई भी इसकी उल्टी, ये उल्टी सिलाई से है, तो और सीधी सिलाई भी इसकी उल्टी ही बनाएंगे। इसके बाद फिर 6 धारियां बनाने के बाद 12 सिलाइयां बनाने के बाद फिर मैं आपको डिजाइन डालना बताती हूँ, ये किस तरीके से हमें डिजाइन बनाएंगे। ये बिगनर के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये। तो ये मैं 6 धारियां बना लेती हूँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा। 6 धारियां बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ आगे का। बस इसी तरीके से हमने बनाते जाना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 धारियां बनाने के बाद फिर मैं आप अब देखिए फ्रेंड, 6 धारियां बना ली मैंने और 22 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे और ये बीच के जो 35 या 36 फंदे हैं इन पे हम डिजाइन बनाएंगे ए वाला। और यहाँ पे 22 फंदे हैं, यहाँ पे हम 21 छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जब हम डिजाइन एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फंदा इस साइड का लेना पड़ेगा। तो 22 फंदे बनाने के बाद अब हम धागा पीछे करेंगे। अब ये जो पहला फंदा है यहाँ से नहीं, सेकेंड वाले लूप से ऐसे एक निकालेंगे, ऐसे सीधा फंदा 31, 32, 33, 34 और ये देखिए 35। अब पहले फंदे काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 2 ने 22। तो एक फंदा हमारा उल्टा आ गया। अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे सीधा, तभी हमारा डिजाइन आएगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये 21 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद उल्टी सिलाई पे ये जो फंदे हमारे उल्टे हैं ये उल्टे बनेंगे और जो एक फंदा सीधा एक उल्टे का डिजाइन है उसको हम वैसे ही एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ उल्टी सिलाई पे भी और सीधी पे हमने इस तरीके से बनाना है और उल्टी पे हमने वैसे बनाना है। हर एक उल्टी और सीधी बस इन्हीं दो सिलाइयों का डिजाइन है। ये जो हमारे 21 फंदे हैं पहले इनको बना लेती हूँ मैं ऐसे उल्टा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड, धागा पीछे करा, ये हमारा सीधा ये उल्टा, उल्टी सिलाई पे हमने सीधा उल्टा ही बनाना है और सीधी सिलाई पे हमने सेकंड नंबर से सीधे वाले की लुक निकालनी है। तो इस तरीके से आप
16 सिलाइयां बनाएंगे, जिससे हमारी 8 धारियां बन के आएंगी। और उसके बाद फिर मैं आगे आपको बनाना बताऊंगी और फिर सिलना भी बताऊंगी। बस ऐसे ही आप बनाते जाइए दोनों सिलाइयां, बस इन्हीं दो सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और ये हमारा डिजाइन बनता जाएगा। एक बार फिर मैं आपको सीधी सिलाई पे दिखा देती हूँ, ये मैं बना लेती हूँ, सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 22 फंदे हमने फिर उल्टे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे, देखिए फर्स्ट लूप पे है और सेकंड से यहाँ से हम एक फंदा ऐसे निकालेंगे। धागा आगे करा, उल्टा वैसे ही बनाया और सीधे को ऐसे उल्टी सिलाई पे एक सीधा एक उल्टा, बस यही दो सिलाइयों का हमने डिजाइन बनाते जाना है और ये 16 सिलाइयाँ बना देनी है, जिससे हमारी यहाँ पे 8 धारियाँ बन के आएंगी। और इसके बाद फिर आगे बताती हूँ मैं आपको, जब तक मैं ये बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। बिगनर भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं फ्रेंड, बहुत इजी डिजाइन है, मुश्किल नहीं है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर आपको बाद में बनाना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने। अब ये जो डिजाइन है, यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। पहले देखिए, एक धारी हम पहले ऐसे ही बना देंगे। ये 8 सिलाइयाँ, 16 सिलाइयाँ बनाई है मैंने, 8 धारियाँ बन के आई हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये नौमी है। तो ये सभी फंदों को हम इस तरीके से उल्टा बना देंगे, ए वाली सिलाई भी और अगली भी पूरी उल्टी। इसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको, बस ऐसे ही पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, ए वाली भी और अगली भी। अब देखिए फ्रेंड, ये 22 फंदे बनाए मैंने उल्टे उल्टे। अब इसके आगे हम 2 का 1 करते जाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 बार हमने 2 का 1 करा। और अगले 21 फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बना देंगे। इस साइड हमारे 21 हैं और उस साइड 22 हैं। और इसके बाद उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी बनाने के बाद सीधी सिलाई पे फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये 2 सिलाई और अगली उल्टी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब दोबारा देखिए फ्रेंड, फिर से हमने 22 फंदे बना लिए और इसके बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार कर लिया। अब आगे के फंदे हम ऐसे उल्टे बना देंगे, 3, 4, 5, 6 ये सिलाई और अगली पूरी उल्टी बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, तीसरी बार हम फंदे कम करेंगे, तो 23 फंदे बनाए हमने। अब पहले 22 बनाए थे, अब 23, फिर 1 बार करा 2 का 1, फिर से 2 का 1। अब 23 ही फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 1, 23, तो 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे ये हो गए हमारे, 23 ये हो गए और 23, 24, 25, 26 और 22 फंदे, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. अब इसके बाद दो सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, एक उल्टी सिलाई फिर एक इसके बाद एक धारी और, फिर मैं आपको ये बंद करना बताती हूँ। बस इन्हीं फंदों को, अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। तो ये दो सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा, फिर आगे फंदे बंद करना बताती हूँ। अब देखिए ये हमारी टोटल धारियाँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। अब हम उल्टी सिलाई से इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। 48 फंदे हमारे पास है तो इनको ऐसे बंद करेंगे। एक बनाया, पीछे वाला उतार दिया, ये बनाया, पीछे वाला उतार दिया, ये बनाया, पीछे वाला उतार दिया। इस तरीके से लास्ट तक बना देंगे सभी फंदों को ऐसे। इसके बाद सिलेंगे हम इसको। तो ये मैं बना लेती हूँ सभी फंदे। सिलेंगे हम, ये देखिए फंदे बंद हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स सिलेंगे हम इसको। तो सीधी साइड है देखिए, अंदर की साइड करेंगे ऐसे और उल्टी बाहर की साइड। तो देखिए अब ध्यान से ऐसे जॉइंट करेंगे हम इसको ऐसे। अब देखिए ऐसे उंगली पकड़ के एक बाहर की साइड, फिर दूसरा भी ऐसे। इस तरीके से सिलने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। बस हमने दोनों साइड से ऐसे ही इसको नीचे तक सिलते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ तक सिल लिया मैंने। अब यहाँ से आगे भी हम ऐसे ही लास्ट तक सिल देंगे, इतना छोड़ देंगे यहाँ से इतना। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कैसे सिलेंगे हम आगे। तो इसको भी हम ऐसे ही एक इस साइड को, एक इस साइड को, बस इसी तरीके से हम इसको सिल देंगे। तो मैं लास्ट तक सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब देखिए यहाँ सेंटर में पहुँच गए हम, तो यहाँ से हम ऐसे सिलेंगे इसको। इसको खींच लेंगे, टाइट कर देंगे यहाँ से एक दो बार। अब पक्का करेंगे, दो बार ऐसे धागा घुमाया और इसको अब काट दिया। बस इसी तरीके से ये हमारी बूट की फिनिशिंग हो गई। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम काट देंगे और ये मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बूट बनके कंप्लीट हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।